क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई हवाई जहाज टाइटैनिक जितना बड़ा भी हो सकता है? हिंडनबर्ग एक एयरशिप था जिसकी लंबाई लगभग टाइटैनिक के बराबर थी। बोइंग 747 से कंपेयर करें तो ये उसका 3.5 टाइम्स था। अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए पानी के जहाज से 5 दिन लगा करते थे, जबकि एयरशिप से ये 2 दिन में ट्रैवल किया जा सकता था। उस समय का भविष्य माना जा रहा था एयरशिप, पर हिंडनबर्ग दुर्घटना के बाद ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बदल गई। हिंडनबर्ग में लग्जरी के सारे सामान और उस समय की आधुनिक सुविधाएं सब कुछ था। हिंडनबर्ग जब फ्रैंकफर्ट से न्यू जर्सी की अपनी यात्रा कंप्लीट करने वाला था तो लैंडिंग के दौरान उसमें आग लग गई और पूरा का पूरा एयरशिप जलकर राख हो गया। ये लैंडिंग के पास पहुंच चुका था और इसकी हाई जमीन से काफी कम थी। आग लगने पर बहुत सारे लोग खिड़की तोड़कर जमीन पर कूद गए। 62 लोगों को बचा लिया गया, बाकी लोग कैमरे के सामने जिंदा जल गए। इस एक मिस्टेक ने एयरशिप का पूरा भविष्य खत्म कर दिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।